देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। अब यह सांप जहरीला कोबरा हो तो फिर डर लगना तो स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लाडगंज थाना अंतर्गत कशियाना इलाके में एक घर में ब्लैक कोबरा घर में छिपा बैठा था। जब घर वालों की नजर इस जहरीले सांप पर पड़ी, उनके होश ही उड़ गए। मकान कच्चा होने की वजह से कोबरा कभी जमीन में तो कभी दीवार के अंदर घुस जाता था। बताया जा रहा है कि जहरीले सांप ने 2 दिन तक घर में डेरा जमा कर रखा। घर के मालिक गोविंद सिंह बघेल ने बताया कि सांप की वजह से वे रात में डर के कारण ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। कभी प्रयास किया उसे भगाने का, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए सांप को पकड़ा। घर में काफी सारा सामान बिखरा होने के कारण रेस्क्यू करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोबरा के पकड़े जाने के बाद गोविंद बघेल ने राहत की सांस ली। वहीं रेस्क्यू के दौरान मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। बड़े से कोबरे को देखकर सभी के होश ही उड़ गए। सांप ने इस दौरान कुछ खाया था, जिस वजह से उसका पेट काफी फूला हुआ नजर आ रहा था। सर्प विशेषज्ञ ने कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। हेलो बोल, पक्ष दो हम गरीब को, बहुत परेशान है आप, 5 दिन से अंदर है। कुछ खाया है क्या? हाँ खाया है। कुछ खाया है? मम्मी ये देखो, ज्यादा हल्ला हल्ला है। देखा बाहर बच्चे सब ऐसे डर रहे हैं। ब्लैक है, ब्लैक है। ब्लैक है। अरे यार ये बाबा ने कुछ खाया हुआ है बहुत ज्यादा ना? यार खीर बन रहा है, पता है हमें सही में जानने का है तो देख के पता चला है। बस ऐसे ही बैठे रहे और हम अल्लाह बंद करवा। शांत रहो, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज साइलेंट। चलो अरे यार,